करना चाहिए जो आपको हृदय को सुकून दे, शांति दे। हाय गाइस, मैं धर्म निर्मल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम लर्निंग यानी सीखना। सीखना जो प्रक्रिया है, जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी के बारे में चलनी है। तो आज क्या पढ़ रहे हैं, अधिगम। बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें किसी ने नहीं पता कि अधिगम क्या होता है, अधिगम सीखना क्या होता है। जो साइकोलॉजी की भाषा है, मनोवैज्ञानिक जो भाषा है, मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। जो बच्चा सीबीटी पढ़ रहा है चाहे जब उसमें, तो उसे हर चीज पता होना चाहिए। एक से दो नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अधिगम क्या है, अधिगम कहाँ होता है, कौन कौन से कारक होते हैं प्रभावित करने वाले। तो बहुत सारी चीजें हैं अधिगम को जाने के, बहुत ही बारीकी से कि अधिगम होता क्या है। जो पहली बार मुझे अपने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना। सबसे पहले तो ये याद रखना कि अधिगम क्या है, सीखना है। अब जो अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं उन्हें जानेंगे, और अधिगम कैसे होता है, कब से चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो अधिगम है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है। जैसे कि हमने कोई चीज सीखी है और सीख कर क्या किया, अपने व्यवहार में हमने जो परिवर्तन लाया वही अधिगम कहलाता है। अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं क्या करूँ, पहली बार या कोई बच्चा है वो क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। अब चाय या कॉफी पी रहा है, कॉफी ज्यादा हॉट होती है, गर्म होती है, तो कॉफी को उधर लेंगे। तो कॉफी क्या है, कॉफी बहुत ज्यादा गर्म, तो कॉफी का उसने पहला घूट लिया। अब पहला घूट लिया तो उससे क्या उसकी जली जीभ, ठीक है। अब जीभ जली हुई, लेकिन जब सेकंड बार में कॉफी कभी उसने पी, तो उसने पहले से क्या किया कि कॉफी गर्म होगी, उसने क्या किया फूट मार लिया। तो ये क्या किया उसने, सीखा, उसने सीखा, लर्निंग किया कि चाहे जो कॉफी है वो गर्म है, हॉट है, तो इसे क्या फूट मार के थोड़ा ठंडी करनी चाहिए। तो वो ही परिवर्तन जो उसने किया वो कहलाया क्या, अधिगम। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में जो है परिवर्तन करता रहता है, देखकर वही अधिगम। तो ये चीज याद। दूसरी बात करें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते ही जो व्यक्ति क्या है, निरंतर क्या है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है अपने जीवन काल में। साथ ही बात कर लेते हैं परिभाषा की, कुछ परिभाषाएं हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके दो से तीन डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल रखी हुई आती है एग्जाम में, ये अधिगम की कौन सी परिभाषा किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो पहला, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में क्या परिवर्तन, परिवर्तन यानी स्थायी परिवर्तन। तो ये किसने दी है, ये से बिल फोर्ड ने, किसने दी, बिल फोर्ड ने। बिल फोर्ड वही जिसने 3D कैंप का बुद्धि के जो प्रकार बताए थे, कहें तो सबसे ज्यादा जो प्रकार बताए हैं वो गिलफोर्ड ने किए। और गिलफोर्ड को जो श्रेय जाता है, उन्होंने अभिसारी और अपसारी जो शब्द हैं आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, उनका भी श्रेय जाता है, उन्हें ही जाता है। CDIM जो बुद्धि दी थी वो उसने दी थी, गिलफोर्ड ने दी थी। तो गिलफोर्ड को याद रखना है, गिलफोर्ड की जो डेफिनेशन है अधिगम को लेकर, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। इसके बाद में सेकेंड है, सेकेंड आपकी पहली के दे दिए गिलफोर्ड ने, लिख देता हूँ। यह है गिलफोर्ड ने दी है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाहर में सॉल्व है। पहली वाली दी है किसने, गिलफोर्ड ने, ये दी है गिलफोर्ड ने। इसके बाद दूसरी की हम बात करें, सीखना व्यवहार है, सीखना व्यवहार अंतर की प्रक्रिया है। जो सीखना है उसके साथ व्यक्ति क्या करता है, अनुकूलन करता है। अनुकूलन यानी संतुलन कह सकते हैं, अनुकूलन कह सकते हैं, संतुलन कह सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया क्या है, व्यक्ति बैठाता है। तो ये भी है किसने, स्किनर। स्किनर कौन से, जिन्होंने प्रयोग किया था क्लासिकल कंडीशनिंग का, कुत्ते पे जिसने अपना प्रयोग किया था। तो ये याद रखना है, स्किनर। इसके बाद हम आते हैं सीखना आदतों और नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन किसने दिया है, सीखना आदतों और नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। तो ये डेफिनेशन दिए ग्रो एंड ग्रो, ग्रो एंड ग्रो शॉप ने ये डेफिनेशन दी है, कौन सी, सीखना आदतों नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। तो बहुत ही कम शब्दों में बताया मैंने कि सीखना क्या है, सीखना मतलब होता है क्या,
अपना व्यवहार में सीख कर क्या लाना, परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू होती है, जब तक व्यक्ति मरता है चलती रहती है, किशोर सॉरी शैशवावस्था से लेकर बाल अवस्था, किशोर अवस्था, बालावस्था, चलती रहने वाली प्रक्रिया कौन सी है, अधिगम है। अधिगम का साधारण होता है क्या होता है, लर्निंग यानी सीख। अब बात करते हैं कि विशेषताएं क्या क्या होती है अधिगम की, तो अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है ये, जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कौन कौन जो क्या दो तो क्या है तो बात करें ना, किसी बात करें ना, विशेषता की बात करें तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। और ये कैसी प्रक्रिया है, इसकी विशेषताओं में बहुत ज्यादा आता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, अधिगम। कौन परेशान है, तो हम बात करते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, अधिगम कहलाती है, ये इसकी विशेषता है। सेकंड बात करें सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन क्या है, सामंजस्य में बैठाना। जैसे कि हम बस में जाते हैं तो लिखा होता है वातानुकूलित बस, ठीक है, जैसा बाहर का वातावरण है मतलब बात ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी, संतुलन बिठाने एक तरीके से। तो सीखना क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, व्यक्ति सीख कर क्या करता है, संतुलन बिठाता है। जैसे कि वो मैंने उदाहरण दिया था ना कि कॉफी वाला उसने पिया तो मार्केट में उसने तो चाय कॉफी आराम से पी लीजिए। सीखना क्या है, सात भूमिक है, सात भूमिक क्या है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। सीखना क्या है, सात भूमिक है, जो व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति सीखने के लिए ही पैदा होता है और सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपंग है या दिव्यांग है, कोई भी अधिगम क्षमता है उसमें, वो व्यक्ति सीख नहीं सकता है, तो सारे व्यक्ति सीख सकते हैं। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल। सीखना क्या है, यूनिवर्सल है। सीखने यूनिवर्सल प्रोसेस है, सात भूमिक है, यानी कोई भी सब सीख सकते हैं, मतलब ठीक है। इसके बाद करें सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। जाहिर सी बात है आप सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे, अगर हमारे अंदर ज्ञान ज्यादा हो गया है तो हम लोग से अपने व्यवहार में करना चाहिए। जो आपकी डिग्री होती है वो तो महज एक कागज का टुकड़ा है, असली शिक्षा तो आपके व्यवहार में दिखाई देती है। तो सीखना क्या है, उद्देश्य पूर्ण होता है, किसी न किसी उद्देश्य से तो व्यक्ति सीखना चाहता है। जब कोई उद्देश्य नहीं होगा तो क्यों सीखेगा, हम लोग क्यों सीखते हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। चल बता हो गया, तो हम बात कर रहे थे, कहाँ बात कर रहे थे, सीखना व्यवहार परिवर्तन होता है। ये था सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है, सीखना क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। बिना उद्देश्य कोई सीखेगा नहीं, सीखेगा हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पहला तो मतलब मेरे हिसाब से होता है कि अच्छा इंसान बनना, नौकरी लगना बात का प्रोसेस है, क्योंकि जीवन में नौकरी है, नौकरी में जीवन बात की बात है। पहले अपना जीवन जीरो नौकरी लगेगी उस चीज को भी रखो, लेकिन प्राथमिकता जीवन को दो। ऐसा नहीं कि आप लोग पूरी उम्र तक पढ़ाई करते रहो, जीवन जिया ही नहीं, बाल छपे तो चश्मा रखते हो, सारी चीजों को एंजॉय करो, नौकरी भी लगेगी अपना संतुलन बना के दो। सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है, ठीक है, उद्देश्य को ही सीखेगा। अब ये है जो अधिगम है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण, जो अधिगम है उसको प्रभावित करने वाले कारण कौन से है, प्रभावित करने वाले क्या है, जो उसे प्रभावित करे, रोके, वंचित रखे, उसके लिए आता है सब, ठीक है। तो इसमें है योग्यता, योग्यता कारण हो सकती है, अगर बच्चे में योग्यता कम है तो क्या है, वो कम बन कम सीख पाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है समाज, समाज से भी डिपेंड करता है, कैसे समाज में व्यक्ति रहता है, अच्छी सोसाइटी में रहता है तो उसकी परवरिश अच्छी हुई है, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें भी क्या करती है, प्रभावित करती है। परिवार, परिवार से क्या संबंध है, परिवार से संबंध है, अगर उसका परिवार मध्यम वर्ग है या हाई प्रोफाइल है थोड़ा, तो परिवार भी मैटर करता है व्यक्ति के सीखने में। कैसे क्या हो सकता है, पैडागोजी के अंदर, जैसे कि अगर हम पैडागोजी पढ़ेंगे कि अगर अपना बच्चा परिवार में बहुभाषा यूज होती है तो बच्चे का जो विकास है चहुमुखी होता है, क्या होता है, चहुमुखी होता है, यानी क्या अच्छा विकास होता है, अगर एक ही भाषा बोली जाती है कम होगा, ठीक है। तो परिवार में मैटर करता है, वातावरण, वातावरण बिल्कुल, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है।
है, कुछ लोग पहाड़ी पे रहते हैं, कुछ लोग अपना अच्छे मौसम में रहते हैं। यहाँ पर अगर पहाड़ी की बात करें, वहाँ पर सदा वहाँ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, तो प्रभावित करने वाला कारण बनता है। और शिक्षक, शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक की अहम भूमिका कैसे होती है? शिक्षक अगर अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है शिक्षक, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट जो है अच्छे से सीख पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि शिक्षक का व्यवहार भी हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, कई सारी चीजें जो प्रभावित करती हैं आपके अधिगम। तो आई होप आपने अधिगम काफी शॉर्ट में समझाया, मैंने समझ में आया हो कि अधिगम क्या होता है, ठीक है। और कुछ ये याद रखनी है आपको, और इससे क्या है अधिगम हमने पढ़ लिया, ठीक है। अधिगम पढ़ने के बाद आप क्या करें, आप क्वेश्चन आंसर हल करें, क्वेश्चन आंसर हल करें, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा ये वाली लाइन ये सीखना क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है प्रक्रिया है सीखना। तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सेकेंड क्लास अभी चली गई है, पहले टॉपिक वही है, एक नंबर टॉपिक में से आपका ही धन्यवाद। ये सभी को सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ना है पढ़ाना है, और बच्चे और समाज को क्या है आगे लेकर जाना है, ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा सीखने और सिखाने का। धन्यवाद।